आप सभी उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का पोर्शन करने वाले हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड न्यूक्लियर पावर का। तो इसमें हम देखेंगे अल्टीमीटर वगैरह जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में, ठीक है। तो कापी पेन ले लीजिएगा, मैं आपको लिखवाता जाऊँगा, आप लिखते जाना, ठीक है। जैसा कि हम सारी वीडियोज़ में क्या करते हैं, आपको नोट्स ही बनवाते हैं, तो आपके वो नोट्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बैंकिंग की प्रेपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एफसीआई की प्रेपरेशन कर रहे हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, ठीक है। तो कॉपी पेन ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप बाद में काम चला लेना, पर लिख जरूर लेना। मेन मोटिव है याद करना है, और पेपर में हमको टिक करना है ईजिली, ठीक है। तो हेडिंग बना लो सारे जाने, बना ली हेडिंग? तो चलो जी मैं लिखवाना शुरू करूं फिर। ओके, सबसे पहला लिखो एल्टीमीटर, एल्टीमीटर, ठीक है। लिखो इसके बारे में, ये कहाँ यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड्स, ऊंचाई को मापने के लिए ये यूज़ किया जाता है, एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीमीटर किस काम आता है, ये एयरक्राफ्ट में ऊंचाई को मापने के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है जी। फिर आता है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, ठीक है। ये किस काम के लिए आता है, यूज्ड टू मेजर या यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी डायरेक्शन और प्रेशर ऑफ विंड, ठीक है। विंड के प्रेशर को, विंड की वेलोसिटी और विंड की डायरेक्शन को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। फिर थर्ड नंबर पर आता है बैरोमीटर, बैरोमीटर किस काम के लिए यूज़ होता है, सबको पता ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। फिर आता है बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर जिसको दूरबीन भी बोला जाता है, सबको पता ही है, ठीक है, ए पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स, ठीक है। बाइनोक्यूलर्स यूज्ड फॉर, लिख लीजिए, दूरबीन होती है वैसे, यूज्ड फॉर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ओके। फिर आता है क्रेस्कोग्राफ, पांचवें नंबर पर आता है क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ किसके लिए यूज होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मैंने आपको एक इंडियन साइंटिस्ट का नाम भी बताया था क्रेस्कोग्राफ वाले का, तो आप बताना जरूर नीचे कमेंट में अगर आपको पता है तो, ठीक है, नहीं तो मैं आपको अगली वीडियो में इसका आंसर दे दूंगा। बाकी पहले अपना आईक्यू चेक करो, आपको पता है या नहीं पता। फिर आता है छठवें नंबर पर कैलोरीमीटर किसके लिए यूज़ होता है, जैसा कि हमको नाम से कैलोरी मतलब कोई ऊर्जा होगी, है ना, ऊर्जा को मापने के लिए, मेजरिंग या मेजरिंग हीट इन केमिकल रिएक्शंस, ओके। फिर आता है क्रायोमीटर, ये किसके लिए यूज़ होता है, यूज्ड फॉर लो टेम्परेचर, ओके। फिर आता है फैथोमीटर, तो ये किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है मेजरिंग डेप्थ ऑफ द ओशंस, यूज्ड फॉर मेजरिंग, एक मिनट बच्चों,
used for measuring depth of the ocean. फिर आता है हाइग्रोमीटर, ये यूज़ किया जाता है ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर को मापने के लिए, यूज्ड फॉर ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, फिर आता है दसवें नंबर पर लैक्टोमीटर, तो लैक्टो का तो हमको नाम से ही थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए, ये मिल्क की प्योरिटी को मापने के लिए यूज़ होता है, यूज्ड फॉर डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द मिल्क। ओके, गॉट इट, ठीक है। फिर आता है हमारा मैश मीटर, ठीक है, सबको पता ही होगा मैश मीटर के बारे में कि नहीं पता, चलो फिर पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं क्या होता है मैश मीटर, ये किसके लिए यूज़ होता है, यूज्ड फॉर या यूज्ड इन लिख लो, यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडिकेटिंग एयर स्पीड, एयर स्पीड को मापने के लिए यूज़ होता है, किसमें, एयरक्राफ्ट्स में से, ठीक है। फिर अगला आता है ऑप्टोमीटर, यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस, ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मेनली फॉर द सिलेक्शन ऑफ आई ग्लासेस, ठीक है, टेस्टिंग फॉर द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ आई, ठीक है। इसके बारे में मैं बताता हूँ, ये ऑप्टोमीटर जो होता है ना, वो जो होता है मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब हम कितना दूर तक देख सकते हैं उसको मापने के लिए होता है, ठीक है। तो ये कब काम में लिया जाता है, जब हम चश्मा लगवाने के लिए जाते हैं, आई टेस्ट करवाने जाते हैं, तब इसको यूज़ किया जाता है ऑप्टोमीटर को। ओके, गॉट इट, चलो जी। फिर अब लिखो ओडोमीटर, ओडोमीटर का क्या काम होता है, मैं पेन का कलर डार्क कर लेता हूँ, यस, हाँ ये सही है। तो अटैच्ड टू द व्हील ऑफ व्हीकल, टू मेजर द डिस्टेंस, ट्रांवर्स्ड, मतलब एक जैसे बाइक का चक्का है, सपोज करो ये बाइक का चक्का है, ठीक है, ये सेंटर वाला व्हील है और ये तारे हैं, आजकल तो दूसरे ही आते फ्लैट, इसके अंदर भी एक वो लगा होता है, एक व्हील के अंदर वो तार नहीं लगी होती जिसमें हम हमारा जो स्पीडोमीटर है वो वर्क करता है ना, स्पीडोमीटर किस पर वर्क करता है, वो तार लगी होती है, तार के ज़रिए वो वर्क करता है, उस तार के अंदर क्या होती है, यहाँ पर व्हील के साथ एक अंदर गोल गोल होता है घूमने वाला, ठीक है, तो ये ओडोमीटर भी कहते हैं, स्पीडोमीटर भी कहा जाता है इसको। ओके, फिर आता है अगला है पाइरोमीटर, तो ये हाई टेम्परेचर को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके, फिर आता है हमारा, थोड़े से रह गए बस, फिर आता है हमारा
स्फाइगोमीटर, सफाई लिख लो एक मिनट, 15th नंबर वाला है हमारा, SPHGYMOMETER, ठीक है, ये वाला मीटर है। ये पल्स की, जो पल्स रेट को मापने के लिए यूज़ होता है, मीजर स्ट्रेंथ ऑफ पल्स, ओके। जैसा कि आपको पता है, हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज देख रहे हैं। फिर आता है 16th नंबर पर स्फाइगोमो मैनोमीटर, तो ये ब्लड प्रेशर को मापने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। प्रोनंसिएशन पर मत जाना, बस लिखने पर ध्यान दो और याद करने में ध्यान दो, इतने बड़े बड़े कई बार प्रोनाउंस करने इजी नहीं होते। एज़ यू नो, आई एम फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, ठीक है, तो ये आपकी सुविधा के लिए लेक्चर लगा रहा हूँ, बस FCI अब हमारा क्रैक हो जाए, इतना सफिशेंट है हमारे लिए। ये ब्लड प्रेशर के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा मीटर, ये वाला। फिर 17th नंबर पर आता है स्टेथोस्कोप, ये डॉक्टरी जो हम लिख रहे हैं, मेडिकल फील्ड में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, स्टेथोस्कोप जो कानों में वो लगाई होती है आपकी, वो धड़कन को चेक करने में, है ना, वो उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, ऐसे करके। ये आगे से कुछ ऐसी होती है, तो ये कानों में डल जाती है और ये धड़कन को मापती है, ये वाला स्पीकर सा होता है, ठीक है, बल्लब सा जो लगा होता है। तो ये किसके लिए, साउंड ऑफ द हार्ट, साउंड ऑफ द हर्ट। तो हमारे हर्ट की साउंड कौन सी है, लब लब, लब डब, ठीक है, धक धक ना कहने लग जाना, कई बोलेंगे धक धक, धक धक तो गानों में ही सुनते हैं हम, धक धक करने, चलो छोड़ो। फिर आता है सेज्मोग्राफ, सीज्मो या सेज्मो जो भी है, सेज्मोग्राफ, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है रिकॉर्डिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, ओके। फिर आता है वेरियोमीटर, अगली स्लाइड पर चलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो लिखो जी, वेरियोमीटर, ए डिवाइस, बस लास्ट ही है हमारा, ए डिवाइस फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ क्लाइंब, द रेट ऑफ क्लाइंब और डिसेंड, और डिसेंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये क्लाइंब करने का या उसको नीचे उतरने का रेट बताता है कौन, वेरियोमीटर, वेरिएशन बताता है बस एयरक्राफ्ट में, ठीक है। ये थे हमारे मीटर। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, हेडिंग ऐसे बना लो बस, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो जल्दी जल्दी लिख लो, 12 ही हैं, फिर लेक्चर को ओवर करते हैं। ये आता है, सबसे पहला आता है नरोरा, NARORA, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन। ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये है UP में, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर आता है रावत भट्टा APS, रावत भट्टा APS, एटॉमिक पावर स्टेशन, APS के फुल फॉर्म है एटॉमिक पावर स्टेशन। ये है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। तो ये जब बना था ना, ये किसकी हेल्प, ये बनाने में किसने हेल्प करी थी, तो कनाडा ने हेल्प करी थी इस एटॉमिक पावर स्टेशन को बनाने में, किसने हेल्प करी, कनाडा ने, ओके।
एक मिनट बच्चों में चेक कर लूँ कि वीडियो हमारा चल रहा है या नहीं। हर बार की तरह मुझे चेक करना ही पड़ता है, कई बार ऐसा है वीडियो रुक जाता है। तो वीडियो इज़ गोइंग ऑन, ठीक है जी, अच्छे से चल रहा है, भाग रहा है वो तो। चलो जी लिखो थर्ड। ओहो मार्कर भी, अब तो ना मार्कर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो, फिर आता है कक्रा पारा एटॉमिक पावर स्टेशन। कक्रा पारा एटॉमिक पावर स्टेशन, APS लिख देता हूँ बस, पावर स्टेशन, ठीक है। ये कहाँ है? गुजरात में, ओके जी। फिर आता है कैगा, कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन, तो ये है कर्नाटका में, कर्नाटका, ठीक है। तो इसका मैं लिख देता हूँ, ये कनाडा की हेल्प से बना है, कनाडा की हेल्प से, ठीक है। आप भी अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, बस समझ आनी चाहिए आपको। फिर फिफ्थ में आता है कुंडन कुल्लम, कुंडन कुल्लम, नाम से ही आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये साउथ में होगा, ठीक है। कुंडन कुल्लम एटॉमिक पावर स्टेशन। और लास्ट है, लास्ट नहीं कहूँगा, इस स्लाइड का लास्ट है कालापक्कम, काला या कलपक्कम, ये नहीं है इसमें, एक मिनट, कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन। तो ये दोनों हैं तमिलनाडु में, ठीक है जी, तमिलनाडु में। बढ़ता हूँ आगे, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए जी लिखो, यहाँ से तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये US की हेल्प से बना था, अमेरिका की हेल्प से बना था। तो एक में कुंडम कुल्लम जो लिखा है ना हमने, तो ये बना था, ये वाला ऊपर वाला, ये किसकी हेल्प से बना था? ये बना था रशिया की हेल्प से, रशिया, रशिया ने हेल्प करी थी, HELP, बस लिख लेना, ओके। फिर थोड़ा सा ये तारापुर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं, तो ये लार्जेस्ट है और ओल्डेस्ट भी, लार्जेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन भी है और ओल्डेस्ट भी, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट, ओके। फिर आता है फतेहाबाद एटॉमिक पावर स्टेशन, फतेहाबाद एटॉमिक पावर स्टेशन, फतेहाबाद एटॉमिक पावर स्टेशन, फतेहाबाद लिखा है ये, फतेहाबाद एटॉमिक पावर स्टेशन है हरियाणा में, ओके। फिर आता है भावनगर एटॉमिक पावर स्टेशन, भावनगर एटॉमिक पावर स्टेशन, तो ये गुजरात में आता है। फिर है यहाँ पर 10वें नंबर पर कोवाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन, तो ये है आंध्र प्रदेश, ये भी किसकी हेल्प से बना था? US की हेल्प से बना था, ओके। फिर आता है हरिपुर एटॉमिक पावर स्टेशन, 11वां है हरिपुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये वेस्ट बंगाल की हेल्प से बना था, रशिया की हेल्प, वेस्ट बंगाल में रशिया की हेल्प से बना था, ओके। फिर आता है जैतापुर, जैतापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में बना हुआ है, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा मैं एक बार, ये पूरा हो चुका टॉपिक, ठीक है, थोड़ा सा मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ थोड़ा सा। जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, तो एक तो हुआ था पोखरण 1, ठीक है, इसको स्माइलिंग बुद्धा भी बोला गया, ठीक है, इंदिरा गांधी ने करवाया था ये स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, इंदिरा जी ने, इंदिरा गांधी ने करवाया था ये वाला, ठीक है। कब करवाया था ये? 18 मई 1974 में करवाया गया था। वैसे हमको जो फॉरेन वालों ने तो दिया था, यानी US ने तो दिया था न्यूक्लियर, कि आप
अपने पास संभाल कर रखो, ज़रूरत पड़ने पर काम में लेना, ठीक है। मतलब बॉम्ब के काम में नहीं, इन्होंने कहा था, इन्होंने बिजली के काम के लिए दिया हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करो, बट इंदिरा ने क्या किया तो उसकी टेस्टिंग शुरू करवा दी, मतलब बिना बताए उनके खिलाफ ही पोखरण वन शुरू कर दिया, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। तो फिर जब पै गया, फिर अब दूसरा लिखो, फिर हुआ पोखरण टू, ठीक है, जिसको ऑपरेशन शक्ति बोला गया, ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, ये किया था ए बी वाजपेयी जी ने, ठीक है। ये कब हुआ? 11 मई 1998, ठीक है। तो 1998 11 मई को क्या होता है ये लिख लो, ऊपर लिख देता हूँ, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, बट रुको, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे FCI AGM या फिर FCI टेक्निकल के लिए टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, इस नंबर पर। और जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ ले ली है वो इस नंबर को सेव भी कर लेंगे, ठीक है, सेव भी कर लेंगे। बस कल तक का लास्ट टाइम है, 10th of June तक आप परचेज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे कि देनी है या नहीं देनी, एक बार आप कल तक देख लो, जितने आ सकते हो आ जाओ, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है और फिर आपकी जो प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है जी। तो काफ़ी बच्चों ने इनरोल किया, उसके लिए थैंक यू। और भी अगर बच्चे जुड़ना चाहें तो इस नंबर पर आप संपर्क करके आ सकते हो, ठीक है। हम चार्ज कोई ज़्यादा नहीं रखा मैंने, नॉमिनल सा चार्ज रखा है, सिर्फ 250 रुपीज़, ठीक है, ये बहुत नॉमिनल चार्ज है, बहुत सोच समझ कर रखा गया चार्ज है। काफ़ी मेहनत लगती है टेस्ट को ढूंढने में और टाइप करने में, तो 250 कोई ज़्यादा नहीं है, आप एक बार कंटेंट की क्वालिटी देखना, ठीक है। 250 रुपया मंथ का है, ठीक है। सुनो, मैं आपको टेस्ट PDF के फॉर्मेट में देने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपको एथिक्स एंड मैनेजमेंट की वो भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे। इस 250 में क्या क्या मिल रहा है आपको? टेस्ट की PDF मिल रही है, टारगेट बेस्ड टेस्ट की PDF मिल रही है, और फुल लेंथ टेस्ट भी मैं 5 देने वाला हूँ, फुल लेंथ 5 मिलेंगे, ठीक है। एथिक्स एंड मैनेजमेंट की PDF, मतलब पूरा लाइन बाय लाइन जो सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये मटेरियल मिलेगा, ओके। फिर सेकंड नंबर पर जो आपको चीज़ मिलेगी वो आपको मिलेंगी करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बच्चे इनरोल करेंगे उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल इतना ही कहना था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी नीचे है, तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है जी। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद जय भारत।